दोस्तों आपको पता है हमारे शरीर का जो डॉक्टर है ना वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, जिसको कहते हैं इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारे शरीर की जब हम एक्सटर्नल साफ सफाई करते हैं, यानी हम जब नहाते हैं, टंग क्लीन करते हैं, ब्रश करते हैं, अपने बालों को धोते हैं, नाखून काटते हैं, वो हो गई हमारे शरीर की एक्सटर्नल हाइजीन को मेंटेन करना। लेकिन जो हमारे शरीर की इंटरनल हाइजीन है ना, उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम यौगिक क्रिया। तो आज मैं आपको एक ऐसी यौगिक टेक्निक बताने वाली हूँ जिससे हमारे शरीर की इंटरनल साफ सफाई होगी, यानी हमारे नॉस्ट्रिल्स की साफ सफाई होगी। दोस्तों हम जितना अधिक हाइजीन मेंटेन करते हैं, हमारा शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, वो इतना ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। और वो इतना इफेक्टिव होता है कि अगर कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस और बाहर जितने भी प्रदूषण के कण है ना, हमारे स्किन के या हमारे नाक के, हमारे टॉन्सिल के कॉन्टैक्ट में आते ही वो उसको किल कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हो आप सभी? तो आज हम सीखेंगे एक ऐसी यौगिक टेक्निक जिसको कहते हैं जल नेति। इसकी मदद से हम अपने नॉस्ट्रिल्स की जो हाइजीन है ना, उनको मेंटेन करते हैं। दोस्तों जो हमारी नॉस्ट्रिल्स हैं, नासिका छिद्र हैं, इसमें कई सारे ग्लैंड्स और टिश्यूज होते हैं जो म्यूकस का निर्माण करते हैं। म्यूकस मीन्स जो एक लिसलिसा सा एक द्रव्य होता है हमारी नाक में, लिक्विड होता है हमारी नाक में, वो बाहर से आने वाले जितने भी जर्म्स, बैक्टीरियाज, वायरस और पॉल्यूशन के कण होते हैं ना, उनको उधर ही रोक के उनको किल कर देता है। और वो जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें तभी अपना काम मेंटेन कर सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं जब हम इनकी हाइजीन को मेंटेन करें, जब हम इनकी साफ सफाई रखें। दोस्तों आशा करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा, सो दैट मैं जब भी कभी अपने चैनल पे नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप मिस ना करें। दोस्तों हठ योगा में 6 प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, यानी क्लिंजिंग टेक्निक है, उसमें से नेति जो है वो 3rd प्यूरिफिकेशन टेक्निक के अंदर आती है। अब नेति करने के लिए हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी तैयारी। इसके लिए हमें करना पड़ेगा गुनगुना पानी, हमारे पास होना चाहिए थोड़ा सा नमक। अब इस नमक को हम बहुत अच्छी तरीके से इस पानी में ऐड करेंगे। इस 2 लीटर के पानी में मैंने 2 बड़े चम्मच नमक के लिए हैं, और नमक आपके किचन में जो भी इजीली अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल करें। सादा नमक, ये मैंने सेंधा नमक लिया हुआ है। अब इस नमक को बहुत अच्छी तरीके से पानी के साथ मिला लें, अच्छी तरीके से हिला लें। और अब मैं इस लोटे की मदद से भी थोड़ा इस नमक को अच्छी तरीके से इसका मिश्रण तैयार करूँगी। दोस्तों पानी का टेम्परेचर इंश्योर कर लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा ना हो। जब आप ये घोल बना रहे हो, मिश्रण बना रहे हो, तो थोड़ा सा एक ड्रॉप लेके अपनी स्किन पे ज़रूर टच कीजिएगा, सो दैट अगर आपकी स्किन में थोड़ा सा भी इरिटेशन हो रहा हो तो पानी का टेम्परेचर कम हो जाने दीजिएगा। और जो इस पानी का स्वाद होगा ना, एग्जैक्टली वो इस तरीके से होगा जैसे कि आपके आंसुओं का स्वाद होता है। तो दोस्तों जल नेति करने के लिए हमारे पास होना चाहिए इस तरीके का पॉट। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको अमेज़न से इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी मेरे पास इस लोटे में है पानी जो कि हल्का गुनगुना है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है नमक, सो दैट इसका जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो हमारे शरीर के साथ मैच हो जाए, और जब भी हम नेति करें तो वो पानी जो है हमारा शरीर एब्जॉर्ब ना करे और सारा का सारा पानी जो है बाहर आ जाए। अगर हमारे पानी में नमक नहीं होगा तो वो पानी को हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं और जो मेम्ब्रेन है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और फिर हो सकता है कि हमें थोड़ा भारीपन हमारे सर में महसूस हो। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। इस क्रिया को करने के लिए आप सीधे खड़े होके थोड़ा सा सामने की तरफ झुक जाएं, या आप कुर्सी में बैठकर भी इस क्रिया को कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, वो हमारी नाक से होते हुए हमारे फेफड़े तक जाती है। हमारी नाक नॉस्ट्रिल एक तरीके के फिल्टर, छन्नी या स्ट्रेनर का काम करती है, जो बाहर से आने वाली हवा है उसमें उपस्थित बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स, पॉल्यूशन के कण, उनको वहीं पे रोक के इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो इतना एक्टिव होता है कि उसको वो वहीं पे नष्ट करके और शरीर में अंदर एंटर ही नहीं करने देता है। जो भी सांस हम लेते हैं और वो फेफड़े तक पहुंचती है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी हमारी नाक का होता है। और जब हम नेति क्रिया का रेगुलर अभ्यास करते हैं तो हमारे आँख, नाक, कान यानी ENT के फंक्शन में भी इम्प्रूवमेंट आती है। जब हम नेति क्रिया का रेगुलर अभ्यास करते हैं तो हमारे फेफड़ों तक पहुंचने वाली जो हवा है वो ऑलरेडी कई हद तक क्लींज्ड होती है। इससे हमारे फेफड़ों का काम तो बचता ही बचता है, इसके अलावा हमारे शरीर में पहुंचने वाली जो एयर की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और एक बार जब एयर की क्वालिटी अच्छी होगी, उसमें ऑक्सीजन की रिचनेस बढ़ेगी और आप बहुत ज़्यादा
अच्छा महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे, आपका स्ट्रेस कम होगा, आप लेजी कम महसूस करेंगे, आपका माइंड काम और क्वाइट होगा। तो ये तो हमने कर ली नेति एक नाक की तरफ से, अब करते हैं सेम चीज दूसरे नाक पे रिपीट। दोस्तों बहुत से लोग जब नेति क्रिया करते हैं या इसको देखते हैं तो सोचते हैं कहीं ये पानी हमारे दिमाग में ना घुस जाए, पर यकीन मानिए ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। पानी या तो आपके फूड पाइप से होता हुए आपके पेट में चला जाएगा या तो आपके दूसरे नाक से निकल के बाहर आएगा। आपको नेति क्रिया करते वक्त अपना मुंह पूरा खोल के रखना है और सांस जो है सिर्फ मुंह से लेना है और मुंह से छोड़ना है और एकदम शांत हो जाना है, पैनिक नहीं होना बिल्कुल। आप देखेंगे कि थोड़ा सा प्रयास करने के बाद एक नाक से आप जब पानी डालते हैं तो पानी ऑटोमेटिकली दूसरे नाक से बाहर की तरफ आता है। जब आप नेति क्रिया का अभ्यास करते हैं रेगुलर तो बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपको साइनस की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, रात में नींद नहीं आती, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, तो ये सारी समस्याएं दूर होंगी। अगर आपको आपके नेजल ट्रैक में, नॉस्ट्रल में किसी भी तरीके का कोई घाव है तो उस सूरत में नेति को अवॉइड करें। आप अपने नाक को बहुत अच्छी तरीके से साफ कर लें, यानी जो भी पानी अंदर है उसको बाहर हमें बाहर भेजना है। इससे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो आपकी नाक के थ्रू आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे एंड यू विल फील लाइट। अब चलिए करते हैं अगली क्रिया। ऐसे चेक करके इंश्योर कर लें कि कहीं पानी आपके नाक पे ही ना रह गया हो, और अगर ऐसा है तो सारा का सारा पानी आप बाहर निकाल दें। दोस्तों अब सवाल आता है कि इस क्रिया को हम कब कर सकते हैं। इस क्रिया को हम सुबह सुबह करेंगे, जब भी आप अपने ब्रश करें, अपने दांतों को साफ करें, अपनी टंग को क्लीन करें, उसके बाद आप नेति क्रिया कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और इसको हर रोज़ आप कर सकते हैं। दोस्तों नेति करने के बाद इंश्योर कर लें कि पानी का जो कोई भी कण है वो आपके नाक में रहना रहे, आपकी नाक एकदम से ड्राई होनी चाहिए। अभी थोड़ा सा मतलब पानी मुझे दिख रहा है और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं। चूंकि मैं नेति हर रोज़ करती हूँ तो इतने ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं हैं, और अगर आप नेति नहीं करते हैं तो हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको ज़्यादा म्यूकस और कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखें जो आपकी नाक में ऑलरेडी हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, इससे आपकी जो नाक की मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा डैमेज हो सकती है। चलिए इसके बाद हम कर लेते हैं कपाल भाति क्रिया, यानी आपको एक पंथ दो काज हो। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें। आइए कर लेते हैं दूसरी क्रिया, क्लिंजिंग टेक्निक, जिसको कहते हैं स्कल शाइनिंग क्रिया या कपाल भाति क्रिया। इस क्रिया की बहुत ज़्यादा महत्ता है। जब आप नेति करने के बाद आप स्कल शाइनिंग क्रिया करते हैं तो उसका जो बेनिफिट है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सोचिए जब भी सुबह सुबह आप उठेंगे, ब्रश करेंगे, उसके बाद अगर आपके शरीर की इतनी अच्छी क्लिंजिंग हो जाए दोस्तों, तो वाह वाह क्या बात है, आपके दिन की आपने बहुत अच्छी और सही शुरुआत कर ली। इस तरीके के हम 3 सेट करेंगे। पहले मैंने 30 राउंड्स का एक सेट कर लिया, फिर मैं 40 राउंड्स का करूँगी, फिर 50 राउंड्स का करूँगी। आप अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से इन राउंड्स को घटा और बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके नाक में अगर एक्स्ट्रा और भी पानी बचा है तो वो भी निकल जाएगा और आपके नॉस्ट्रल्स की अच्छी क्लिंजिंग भी हो जाएगी। दोस्तों हमारे ऋषियों और मुनियों ने इन क्रियाओं का अभ्यास आसन और प्राणायाम से पहले करने के लिए कहा है। वो इसलिए जब शरीर का शुद्धिकरण होगा तभी तो मन आपका काम और शांत और एक जगह पर लगेगा। टॉवल अपने आसपास रखें। इस तरीके से बीच बीच में नाक को साफ करते रहें और जब 3 राउंड हो जाए तो आराम से आप शवासन में लेट जाएं और रिलैक्स करें। ये बेहद ज़रूरी है कि क्रिया करने के बाद आप शवासन में लेट जाएं और कुछ देर आराम करें, अदरवाइज आपका सर भारी लग सकता है।
तो दोस्तों ये तो था मेरा एक छोटा सा प्रयास जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने नॉस्ट्रल्स की हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, जो कि आज की डेट में बेहद ज़रूरी है। इसी तरीके से अपने सेहत का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए, क्योंकि आप सभी को पता है फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।